तो कल सुबह निकलना है कराची के लिए। और तो और कुछ चीज़ें रास्ते में खाने पीने के लिए भी रख ली है, और इसके साथ साथ सुबह होते ही निकल दिया कराची के लिए बस में बैठ के। मेरी क्लास की आखिरी ट्रिप स्टार्ट होती है, और क्योंकि आखिरी साल है तो फुल दबा के इंजॉय करेंगे। और तो और जब तलक बस चल रही थी तो हमारी भी फुल मौज हो रही थी, लेकिन जैसे ही बस रुकी और हमारी जो हालत खराब हुई। हालत खराब, हालत बैड। कैसा लग रहा? गर्मी से पूरी हालत खराब हो गई। उधर वो देख, वो नीचे बैठा। सर ने हमें बिठा के रख दिया है, हालत बुरी हो चुकी है गर्मी में। गाड़ी यहाँ पे हो गई है, हमने थोड़ा सा बोला भाई खिड़कियां खुली है, बाहर जावा, और हमारा तो गर्मी में मारा जा रहा है। जिए बुलडी शाह, इसकी बात नहीं मानी गई तो बस अभी तबाह हो सकती है। बस को तबाह होने का खतरा है। दो आगे पीछे, और उसने कानून में हाथ लिया था, अभी कांपे टांग रही है। बात तो सुनो, ये हमें और ये हमारे स्टूडेंट है, और ये गर्मी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ये पतली पतली क्यों बैठे पीछे, हड्डियां निकाल। खत्म, बाय बाय, गया टाटा। सर गया रे, सर छोड़ के नहीं आया सर। फाइनली बस स्टार्ट होने के बाद अपने सफर के लिए निकल पड़ी, और फिर से मजाक मस्तियां स्टार्ट हो गई। फाइनली अपनी मंजिल पर पहुंचते ही सब खुश। मैं पूरा 4 घंटे सफर करके हम लोग मेडिकल के अंदर पहुंच गए। घुटनों में दर्द हो गया, रेल लग गई बस में बैठे बैठे। रास्ते में तकरीबन 3 से 4 बार मर्तबा बंद हुई थी। नहीं, गंदी हरकत नहीं। तो गर्मी इतनी खतरनाक थी कि हमने सोचा था कि पहुँचते ही हम जाएंगे सब में पहले पानी में। तो पहुँचते ही हम जैसे ही पहुँचे वहाँ पे, हम पहले गए चेंजिंग रूम के अंदर। चेंजिंग रूम में हमने लोकर की चाबी ली, ताला बड़ी मुश्किल से खोला, ताला खुला तो उसके बाद हमने कपड़े वपड़े रखे, फिर अपने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद जाते हैं पानी के अंदर। पिकनिक का सीन बना था, तो हमारा एक दोस्त है हादी, तो उसने बोला था चलो मैं नहाऊंगा नहीं, अब जब वहाँ पे जाऊंगा तभी नहाऊंगा। तो अभी यहाँ पे आया तो अभी नहाने के लिए कूदेगा। अब आया ना नहाने, पिकनिक का जब सुना था तब बोला था मैं यहाँ पे आगे नहाऊंगा, है ना। हाँ यार, आगे ना ये पानी में। ओए होए, ओए होए, ऐसा लग रहा है सीरियो में आ रहा है यार, बड़ा मजा आ रहा है। सीरियो सीरियो में आ रहा है यार, बड़ा मजा आ रहा है। सीरियो सीरियो में आ रहा है यार, बड़ा मजा आ रहा है। सीरियो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल ठंडा है, पानी काफी ठंडा है। चल भाई, देखो भाई दो रिपोर्ट कैसा लग रहा है आपको, हैं आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई ये आधी आधी डुबकी लगा के दिखा दे भाई, डुबकी लगा ले डुबकी। अबे डुबकी तो लगा, पानी बड़ी स्पीड से आ रहा है। हमजा हमजा का आ रहा है, अबे एक डुबकी लगा के दिखा दे। ये धड़कने टकती हुई सर, ये सर पैदल पैदल आते हुए इनकी धड़कने टक रही है सर, धड़कने टक गई।
तुम मोबाइल कैसे बताओगे अपना खुदा ना खास्ता अगर की कसम नमक से मालूम है बहुत गंदा दिल गार्डन गार्डन से ये का है अपन भाई अभी अभी हम पूल से नहा के निकले और ऐसा खतरनाक कड़वा जहर पानी है कि यार वहाँ पे जो लहरें अलग चल रही थी ना लहरें चल रही है तो हलक के अंदर जो पानी गया था ना उससे हालत मेरी ख़राब हो गई बड़ी खतरनाक वाली भाई अभी किसी की हालत ख़राब हुई है भाई ये किस तरीके से जा रहा है ये लड्डन को पैसा बर्बाद रुक रुक के बड़ी मुश्किलों से ये ट्यूब हमने पकड़ी है इसके पीछे हमारे को बड़ा रुलना पड़ा देख जाके स्लाइड हम इससे लगाएंगे से निकलने के बाद भूख इस कदर थी कि वीडियो बनाने का तो मौका ही नहीं मिला खाना आया और सब लोग खाने पे टूट पड़े कैसे कैसा दिया मैं बोला रुको यार बेटा तुमसे ना हो पाएगा हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे तुमसे ना हो पाएगा ओ भाई यहाँ पे पैदल चल चल के हालत ख़राब हो गई है ये लंबे लंबे रोड जा रहे हैं यहाँ पे गलती हो गई बाइक आनी थी या फिर साइकिल या बाइक दोनों में से एक चीज़ लेके आनी थी उसके बगैर तो पैदल धूप तो ऐसी हो रही है एक तो गर्मी अलग हो रही है पानी है नहीं यहाँ पे पानी हम ढूंढ ले कहीं से मिल जाए तो पानी आनी पिया बाकी पैदल अलग खुशक में चलने में ना रेट लग गई है थोड़ी सी पहले पानी ढूंढेंगे पानी आनी पियेंगे अलग को थोड़ा गीला करो फिर उसके बाद थोड़ा सुकून मिलेगा तो काफ़ी देर घूमने के बाद हमें गन्ने का जूस मिला तो हमने वही पी लिया गन्ने के जूस में भी काम नहीं दिखाया यार धूप बड़ी तेज़ हो रही है हालत ख़राब हो गया गन्ने का जूस भी पी लिया पानी तो मिला नहीं था अब प्यास बुझाने के लिए हमने पिया जैसे तैसे करके गन्ने का जूस से भी हालत ख़राब हुई तूने बड़ी प्यारी जगह दिखाई है बैठने के लिए हाँ अब यही ना ले अरे पैदल चल चल के हालत ख़राब हो गई यार बड़ी मुश्किलों से लेटने की जगह मिली है वो भी घास के अंदर अब यहाँ पे लेट के थोड़ा आराम करके फिर चलेंगे कराची से होकर ये बैरिया टाउन के अंदर आए थे ये कोई पार्क था यार इसके मामू ने टोपी क्या कराई है पता मैंने यार मामू ने टोपी इतनी बड़ी कराई है यार पैसे भी थोड़ा हमारे से 2500 रुपये ज़्यादा ले लिए हमें घुमाया भी सही मायनों में नहीं अब उम्र था चुनी बजा दो थोड़ा सा क्या मसला भाई मसला तो ये है कि बस सही तरीके से नहीं घुमाया जो पैसे दिए ना वो वसूल नहीं हुआ हमारे पास ये है मसला सारा मामू बोल रहे हैं सही से आप पानी में नहा नहीं रहे यार यार पानी भी इतना गंदा हो रहा मुँह में जाती है तो मुँह का सारा रंग बदल रहा है हमारा यार दोपहर में तो जो हुई थी हालत ख़राब अभी थोड़ा सुकून मिला क्योंकि अभी यहाँ पे छाया वाय है और उसके साथ साथ घास है ठंडी हवाएं चल रही है बाकी का ये हम यहाँ पे पीछे ये लोग खेल ले पीछे क्लास के लड़के जो कि फुटबॉल खेल ले और कुछ उड़ानी खेल ले बाकी फ़ोटो शूट में लगे हुए यही चल रहा बस सिलसिला बाकी मज़ा नहीं आया यार दोपहर में मज़ा नहीं आया दोपहर में हालत ख़राब हो गई थी और ये आरिस भाई हमारे वीडियो बनाते हुए स्टेटस के लिए आरिस भाई अब बोलो क्या बोल रहे यार क्या कर रहा है यहाँ पर आके हमने पैसे वसूल कर रहे हैं यहाँ पर वसूल करो भैया टाउन के अंदर ही जितना हो सकेंगे हम भाई उतने पैसे वसूल करने की कोशिश करेंगे बाकी सर ने क्या करा आप बताओ थोड़ा सा बाकी सर ने ये करा है कि भैया टाउन के अंदर पहले हमारे को लेके आए उसके बाद थोड़ा सा रोड आगे का टापा फिर वापसी बस घुमाई और बस घुमाने के बाद यहाँ पे कोने के अंदर एक पार्क है
पार्क का नाम कहीं लिखा हुआ है? कार्निवल कुछ लिखा हुआ बोर्ड के पास, बाकी पार्क का नाम नहीं पता। ये पार्क तो बेरी टाउन के अंदर घुसते ही है, तो ये पार्क है। यहाँ पे लाके हमारे को छोड़ दिया, तो सारे बंदे जो है इधर उधर को भी दिखा दो घूम करके कैसे बैठे हैं। सर 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 अब देखो आपके 2500 रुपए जाया नहीं हुए, आप तो पहले हम ड्रीम वर्ल्ड लेके गए, सब बता लिया। चलो भाई चलो, ओ सर लिया, ओ सर देखो, सर को दिखाओ, थोड़ा सर को दिखा दो। अबे सर को नहीं दिखा, सर को छोड़ दे। शाहरुख पानी पीने का यार आसरा नहीं है यार, ये क्या बात है? नहीं नहीं व्लॉग है, पानी पीने का आसरा नहीं है यार। यार पानी पीने का आसरा इसलिए नहीं है क्योंकि मामू को आपने ज़्यादा पैसे दे दिए, वो बोल रहा है मैं बड़ा बंदा हूँ, उलर उलर नहीं रखता मैं। आप क्या कहना चाहोगे? ये पैसे वसूली के लिए मामू के पास जाए, मामू को बोला हमें पानी दो। तो मामू तो लेटा हुआ घास हो गया, पर मामू का पानी भी है सब लेटा हुआ यार। अबे ओए पानी का गल्ले यार, अल्लाह की कसम अलग गुस्सा हो रहा, दिन में तो मर रहे थे शाम में भी मर रहे। देखो गलती करे यार मामू की, यार क्या है बे, प्रिंसिपल है भाई स्कूल का, थोड़ी इज्जत करो। तो काफी देर प्रिंसिपल लेने, प्रिंसिपल की लेने के बाद ले लिए, प्रिंसिपल हमारी भी ली, अब प्रिंसिपल की भी ली, और अब घर जाने के लिए भी बोलेंगे हमने 50 रुपए कम लिए। अब दिख रहा है कि हमने पैसे वसूल कराए हैं, वरना नहीं दिख रहा था। लेने लेने के बाद सर ये बातों बातों में दबा के लिए पैसे वसूल होगा थोड़े, बाकी चाय का असर लगवा दे। तो भाई कराची भेजिया टाउन सब जगह हो गया घूमने का, और बाकी अब घर के लिए निकले, बीच में सदाबहार रेस्टोरेंट है वहाँ पे रुके, वहाँ पे चाय वाय मंगाइए, चाय वाय पीते फिर निकलेंगे। तो यहाँ पर आके हमारे स्कूल की आखिरी ट्रिप ख़त्म होती है, उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, तो हमें तो काफ़ी मज़ा आया। तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।